पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम का किया उद्घाटन, बोले दुनिया में काशी तमिल संगमम की गूंज, दक्षिण भारत का उत्तर भारत से ये अद्भुत संगम है। सूरत के बाद दो दिन के प्रवास पर काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल, कहा देश में गरीबी और अमीरी का भेद मिट रहा है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के काफिले ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता, एयरपोर्ट से कटिंग मेमोरियल स्कूल की तरफ जा रहे थे पीएम। सूरत को पीएम मोदी की सौगात, 353 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन, सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिल चुका है दर्जा। सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने किया रोड शो, सड़क किनारे लोगों ने पीएम का अभिवादन किया। सूरत ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, सूरत डायमंड बोस का भी उद्घाटन किया, गुजरात के मुख्यमंत्री भी उस वक्त मौजूद है। पीएम मोदी ने फिर दोहराया संकल्प का, तीसरी पारी में भारत बनेगा तीसरी अर्थव्यवस्था, मोदी ने दी है देश को गारंटी। अनुच्छेद 370 हटाने पर पीएम मोदी की दो टू, कहा ब्रह्मांड की कोई ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती, एक निजी अखबार से पीएम मोदी ने की बातचीत। संसद स्मोक कांड में अब आरोपियों से आमने सामने की पूछताछ, साजिश के तार जोड़ने की कोशिश, राजस्थान में कई सबूत मिले। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से बरामद किए आरोपियों के जले हुए फोन, ललित झा पर है संसद कांड के बाद फोन जलाने का आरोप। संसद सुरक्षा कांड पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा वाद विवाद की जगह पूरे मामले की गहराई में जाना जरूरी, सुरक्षा में चूक पर स्पीकर पूरी तरह से गंभीर। पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, प्रमोद तिवारी ने सुरक्षा में चूक को बताया सरकार की विफलता, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग। संसद सेंधमारी पर संजय राउत बोले किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे धर्म का सांसद होता तो अब तक हिंदू मुसलमान हो जाता। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। 21 दिसंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, 5 राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन की कांग्रेस अध्यक्ष करके करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ में हार के बाद भूपेश बघेल से कांग्रेस हाईकमान नाराज, सूत्रों से मिली जानकारी नाराजगी के कारण बघेल को सीएलपी लीडर नहीं बनाया। सरकार बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात, कैबिनेट विस्तार पर हुई बात। एबीपी न्यूज से बोले मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं लागू रहेंगी, अपराधियों पर बुलडोजर चलता रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा भगवान राम और कृष्ण के पद चिन्हों पर चल रहे हैं पीएम मोदी, पूरी दुनिया के लिए आदर्श बने। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का विवादित बयान, कहा नीतीश और लालू प्रसाद को गर्दन पकड़कर सरकार की गद्दी से हटाएं। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर बातचीत से पहले केजरीवाल ने किया बड़ा इशारा, लोकसभा में पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है अकेले चुनाव। मुंबई के चेंबूर में युवाओं के साथ सीएम एकनाथ शिंदे ने क्रिकेट खेला, स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे सीएम। नागपुर में सोलार एक्सप्लोसिव कंपनी में धमाका, बनने वालों का आंकड़ा पहुंचा 9, 4 लोग घायल, मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। नागपुर में एक्सप्लोसिव कंपनी में धमाका जो हुआ उसमें 9 लोगों की मौत पर परिजनों का गुस्सा फूटा है, परिजनों के रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक सीआरपीएफ जवान शहीद, एक जख्मी, सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए 4 संदिग्ध। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें एक पुलिसकर्मी पर हमले में। ओडिशा के जाजपुर से आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में एक कश्मीरी गिरफ्तार, राष्ट्र विरोधी दस्तावेज और फर्जी मेडिकल डिग्री बरामद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी साजिश बेनकाब, आर्मी ने हथियार किए बरामद, आर्मी डीजी ने इसकी जानकारी। महादेव ऐप के जरिए 400 करोड़ की ठगी का आरोप, नोएडा से गिरफ्तार, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से ये ठगी करता था आरोप। पंजाब के मोगा में बम्बीहा गैंग और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ, 3 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया, हथियार भी बरामद। बिहार में शराबबंदी के बावजूद डॉक्टरों की शराब पार्टी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल, गेस्ट हाउस से छापेमारी में 3 बोतल विदेशी शराब जब्त।